ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत के बीच में बाइक चला रहा हूँ। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे और मजे में होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। तो गाइज बात यह है कि गाड़ी में अभी पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है और मुझे गाड़ी में अभी पेट्रोल डलवाने जाना है। जैसे हम खाना खाते हैं इसको भी खाना देना है, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे। आज संडे है, आज मेरा ऑफ है, तो देखेंगे कहीं जाएंगे आज। तो बने रहिए व्लॉग में। तो आप देखिए डिम हो रहा है। तो आज कोई नए रेस्टोरेंट आए हैं द बिज के नाम से। इंटीरियर देखिए, आप देखिए इंटीरियर और जो ये विंग्स लगे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसको तो आप जानते ही होंगे। अब हमने ऑर्डर किया है मटन शाही बिरयानी। आप देखिए बहलूल कैसे बैठा है यहाँ पे। बहलूल इधर देखो, आप क्या कर रहे हो, पानी पीना है? रेस्टोरेंट से आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है वहाँ पे। और इसका जो एड्रेस है वो है सईदा कदल, जो अब दरगाह हज़रत वल से आगे आता है। तो ये वाला रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा और ऊपर। तो घर पहुँचे हैं, गाड़ी साइड में रख के, और अब मैं बाइक निकाल के फार्म पे जाऊँगा। तो अभी मैं निकला हूँ अपने फार्म पे। तो अब उतनी सर्दी नहीं लग रही है बाइक पे जितनी विंटर्स में लग रही थी। विंटर अभी भी है, बट दिसंबर जनवरी में जितनी लग रही थी उतनी नहीं है अभी, क्योंकि तो मार्च भी आने वाला है। तो सर्दी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। पहले जो इंसान वो ऐसे विदाउट विंटर गियर जो है वो राइड नहीं कर सकता था, नॉर्मल साल लग रहा है अभी। तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। तो गाइस मैंने अभी बाइक यहाँ पे रोक ली है सड़क पे। आप ये वायर देख सकते हो, ये शायद वाईफाई की है हमारे ब्रॉडबैंड की, क्योंकि ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है तो सड़क पे आ रही है। ये गाड़ियों की वजह से कट भी सकती है, तो मैं इसको साइड में पहले रखता हूँ। जब आएंगे तो भाई ठीक करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से कट चुकी है शायद, क्योंकि हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो नहीं चल रहा। तो चलिए आप चलते हैं। माशाल्लाह आप देखिए अभी जो पहाड़ों पे जो धूप पड़ रही है, तो उससे उस वजह से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये हमारा सनसेट पॉइंट,
माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है अभी, आप देखें। और गाइज ये चिनार आप देख रहे हो यहाँ पे, समर्स में जब इसमें पत्ते आते हैं तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत दिखती है। तो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग जब समर्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी खूबसूरत दिखती है यहाँ से। तो अभी मैं फार्म पे जा रहा हूँ अपने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे जो स्टॉक होता है हमारे जानवरों के लिए वो मैंने ला के रखा था, तकरीबन अभी भी 2 महीने का है वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल। क्योंकि अगर मैंने नहीं लाया होता तो मे भी गाड़ी चढ़ाना वहाँ से मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ तो रोड उतना अच्छा नहीं है, कच्चा रोड है वहाँ से। माशाल्लाह क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। एक खासियत है कि जहाँ मेरा फार्म है वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और आप देख सकते हो वो रहा मेरा फार्म, और आप व्यू देखिए और कितने खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, माशाल्लाह। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं फार्म से बाहर और पहुंच चुके हैं सड़क पे। तो करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट और चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत के बीच में बाइक चला रहा हूं, जन्नत के बीचों बीच, जैसे रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा हूं। तो बाइक मैंने अंदर ली है बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि बहुत स्लिप हुई थी यहां पे, ज्यादा हुई थी। तो रख दी है हमने बाइक अपनी जगह पे, अब जो है कपड़ा लगाएंगे इस पे। तो बाइक पे कपड़ा लगा के हम अंदर जाते हैं, चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने SJKM ऑर्डर किया था, तो मैंने उससे सिर्फ एक मोटो व्लॉग बनाया था, फिर मैंने मोटो व्लॉगिंग नहीं बनाई की थी। तो मुझे अब वो SJKM मुझे भेजना है, क्योंकि मैंने GoPro Hero 10 ऑर्डर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में वो डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे अपना SJKM जो मैंने लिया था वो मुझे भेजना है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा लेने में तो नीचे इंस्टा ID मेरी शो हो रही होगी, तो वहाँ पर मुझे DM कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आप तक मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं। बट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाजमी एक बात, आप लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हैं बट आप शायद बेल आइकन जो है वो प्रेस करना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप वो प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक नहीं आएगी। तो नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ, डेली ब्लॉगिंग करूँ। अभी तो नहीं हो रहा है मेरे से डेली ब्लॉगिंग, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है उतना मुझे, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट मेरे 2-3 व्लॉग्स जो है वो आप तक पहुँचे। तो फिर भी आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि विदाउट आपकी मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हमने 2-3 साल पहले ये पेड़ लगाया था यहाँ पे, बट अब इसकी जो है वो शाख तराशी करनी है। शाख तराशी का मतलब आप समझते हैं कि जैसे मतलब इसको सजाना है, जो वो ब्रांचेस काटते हैं ना इसके, वो करना है, जो कि मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। अगर किसी को पता होगा तो वो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि हमने इसको बांध के रखा है रस्सियों से नीचे यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम खोलते हैं तो बहुत फैलता है। तो अगर किसी को पता है कैसे करनी है या कोई एड्रेस जानता होगा कि कौन करता है शाख तराशी, तो प्लीज़ मुझे बताइए। अब गाइस व्यू देखिए माशाल्लाह, और सूरज देखिए कैसा चमक रहा है अभी।
मोबाइल के थ्रू तो सूरज की तरफ देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। यहां से देखिए आप नजारा, दो दिन तीन दिन पहले ये बर्फ जो है वो तकरीबन यहां तक थी, छत की बर्फ आती थी नीचे। तो आप देखिए सिर्फ दो दिन धूप निकली है, कल और आज, आप देखिए बर्फ कहां से कहां पहुंची है। अगर यही बर्फ चलाई कलाम में पड़ती तो तकरीबन अप्रैल तक रहती, लेकिन ये जो बर्फ अब में पड़ी है तो ये उतने टाइम ज़्यादा नहीं रहती है, बस दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन इसकी लाइफ होती है इस ज़मीन के नीचे, आधा ज़मीन के नीचे और आधा पिघल जाता है ऊपर। ये बर्फ़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओएस ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।